हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में जाना था, जो ये कहता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी और उसके मेंबर्स दो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाते हैं। इसी सेपरेशन के कंसेप्ट को कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। वेल का मतलब होता है पर्दा, मतलब कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं ये पर्दे के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं। पर ये तो हुई लॉ की बात, रियलिटी में कंपनी जो है वो फंक्शन करने के लिए अपने मेंबर्स पे, डायरेक्टर्स या पार्टनर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो मेंबर्स है ये कंपनी के लेजिटिमेट काम के लिए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को यूज कर सकती है। पर अक्सर ये देखा गया है कि ये जो मेंबर्स या डायरेक्टर्स होते हैं ये अपने आप को लाइबिलिटी से बचाने के लिए या फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो इन्हीं फ्रॉड, इलीगल एक्टिविटीज या मिसयूज से बचने के लिए है हमारा दूसरा प्रिंसिपल, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वील। देखिए, अगर कोई भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल करता है मिसयूज करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए, तो कोर्ट्स जो हैं वो इस पर्दे को उठाती हैं, इस कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट अप करती है और ये देखती है कि जो पर्टिकुलर एक्ट है ये किस इंसान ने किया है और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराती है। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के मिसयूज से बचने के लिए है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वील का प्रिंसिपल। चलिए अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वील यूज किया जा सकता है। सबसे पहला सर्कमस्टांस है कि अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ऐसे सिनेरियो में कोर्ट लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वील का प्रिंसिपल यूज करेगी। इसका सबसे फेमस केस है जोन्स वर्सेस लिपमैन का। इसके फैक्ट समझते हैं। लिपमैन जो है ये जोन्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी सेल करूंगा। आगे जाके लिपमैन अपना इरादा चेंज कर देता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने के लिए वो इस प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को अपनी ही कंपनी को सेल कर देता है। जब जोन्स इस प्रॉपर्टी की डिमांड करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की डिमांड करता है, तो लिपमैन ये कहता है कि प्रॉपर्टी तो अब मेरे पास है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी कंपनी को बेच चुका हूँ, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए जोन्स ने ये केस फाइल किया। कोर्ट ने ये देखा कि इस कंपनी के सिर्फ दो ही मेंबर्स थे, लिपमैन खुद और एक क्लर्क। कोर्ट ने ये कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने के लिए लिपमैन ने अपनी ही कंपनी को एक मास्क के जैसे यूज किया, जो कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का लेजिटिमेट यूज नहीं है, ये एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, तो लिपमैन को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो है व्हेन कंपनी इज अ क्लोक और शैम, मतलब कंपनी को बनाया ही गया है दिखावे के लिए। इसे इसके फेमस केस समझते हैं, गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेज हॉर्न। इस केस में क्या होता है कि जो हॉर्न होता है ये गिलफर्ड कंपनी लिमिटेड में काम करता है, उनका एक एम्प्लॉई होता है। तो गिलफर्ड हॉर्न के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हमारे बिजनेस से अलग तुम हमारे कस्टमर्स को कभी सॉलिसिट नहीं करोगे, उनसे कभी अलग से कोई ट्रांजैक्शन या बिजनेस नहीं करोगे। हॉर्न ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, पर इस कंडीशन से बचने के लिए वो अपनी खुद की एक कंपनी बनाता है जो गिलफर्ड जैसा ही काम करता है, और अपनी इस कंपनी के थ्रू गिलफर्ड के जो कस्टमर्स है उन्हें अप्रोच करना स्टार्ट करता है। कोर्ट कॉर्पोरेट वील का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए ये कहती है कि कंपनी को बनाया ही गया था अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए, तो ये जो एक्ट है ये वैलिड नहीं होगा। कोर्ट ने हॉर्न और कंपनी दोनों के ऊपर ही इंजंक्शन अप्लाई किया और इस एक्ट को इनवैलिड कहा। अगर एक प्रिंसिपल कंपनी टैक्स इवेजन करने के लिए 3-4 और न्यू कंपनीज बनाती है जिसका सोल मकसद यही है कि प्रिंसिपल कंपनी अपने एसेट्स इनमें डाल सके, तो क्या ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का लेजिटिमेट यूज है? नहीं ना। यही है हमारा तीसरा ग्राउंड, इवेजन ऑफ टैक्स और अवॉइडिंग वेलफेयर लेजिस्लेशन, जो कि लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वील का सबसे कॉमन ग्राउंड है। अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए या टैक्स इवेजन करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो कोर्ट लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वील का प्रिंसिपल अप्लाई करेगी ही करेगी। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेज एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वील का चौथा सिनेरियो है वॉर का। देखिए, अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ वॉर में चले जाती है, तो उस कंट्री के जो भी सिटीजन्स होंगे वो इंडिया के एलियन एनिमी हो जाएंगे, और एलियन एनिमी पे नॉर्मल लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, उनके लिए डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल होते हैं। इसी चौथे सर्कमस्टांस का सबसे इंपॉर्टेंट केस है
डायमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, कुछ जर्मन सिटीजन्स होते हैं जो टायर एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जर्मन कंपनी बनाते हैं। यही जर्मन सिटीजन्स अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। इस कंपनी का नाम होता है डाइमलर कंपनी लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में देखते हैं। इस कंपनी की सिर्फ एक शेयर होल्डर इंग्लैंड की थी, बाकी सारे शेयर होल्डर्स जर्मनी के थे। इस कंपनी का काम क्या था? जर्मनी की जो कंपनी टायर एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की इंग्लैंड में बेचने का काम करती थी। इसी सिलसिले में डाइमलर इंग्लैंड की एक कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड से भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रही थी। अब क्या होता है? अब हो जाता है वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के साथ वॉर में चले जाते हैं। डाइमलर कंपनी लिमिटेड कॉन्टिनेंटल टायर के साथ ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर चुकी होती है, तो डाइमलर उसकी पेमेंट डिमांड करती है। कॉन्टिनेंटल टायर का कहना यह था कि वर्ल्ड वॉर के चलते अगर मैं कोई भी पैसे डाइमलर को देता हूँ तो ये माना जाएगा कि मैं ये पैसे एनिमी कंट्री को दे रहा हूँ, जो कि एक ऑफेंस है। इसी सिलसिले में डाइमलर कोच के पास जाता है और ये कहता है कि ये जो कंपनी है ये तो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड है, इसका जर्मनी से क्या लेना देना। तो कोच कॉर्पोरेट लील का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए ये देखती है कि जो कंपनी है इसका पूरा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जर्मन सिटीजन्स के पास है और इसका पूरा ट्रांजैक्शन भी जर्मनी से रिलेटेड है। तो कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी को वॉर के टाइम में इसके साथ ट्रांजैक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही सिंप्लीफाइड, समराइज और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे कंपनी लॉ के सर्टिफिकेट कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं यहाँ और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगी। तो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मेन एम ये है कि आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को सिर्फ लेजिटिमेट पर्पजेस के लिए यूज करें। अगर फ्रॉड, मिसयूज या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को यूज करते हैं तो कोच लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का प्रिंसिपल जरूर अप्लाई करेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।